बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो वेंडिंगम स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में है। वेंडिंगम स्क्रीन रिकॉर्डर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। इस वीडियो में मैं आपको इसकी इंस्टॉलेशन और इसके यूज़ करने का मेथड बताऊंगा। सबसे पहले इसकी इंस्टॉलेशन के लिए आपने अपना पीसी का ब्राउज़र ओपन कर लेना है और इसमें उसकी वेंडिंगम की वेबसाइट पर आपने चले जाना है। उसके लिए आपने इधर लिख देना है वेंडिंगम.com, लिख के एंटर कर देना। ये वेबसाइट ओपन हो गई है वेंडिंगम की। इधर से आपने इसको फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। फ्री डाउनलोड के बाद इधर डाउनलोड वेंडिंगम पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। सेटअप डाउनलोड हो गया है, इसको अब रन करेंगे। अब ये जो आपको मैसेज दे रहे हैं, इस पर आपने इंस्टॉल एनीवे पे क्लिक कर देना है। ये माइक्रोसॉफ्ट ऐप स्टोर के बाहर से हमने डाउनलोड किया है। इंस्टॉल एनीवे पे क्लिक किया, इधर यस पे क्लिक कर दें। इंग्लिश लैंग्वेज ओके, नेक्स्ट, आई एग्री पे, नेक्स्ट, इंस्टॉल, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई, फिनिश कर दिया। इंटरफेस है ये ओपन होगी, डाउन एरो पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे रेक्टेंगल ओनर स्क्रीन, अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो ये एक रेक्टेंगल ओपन कर देगा जिसमें आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें इस रेक्टेंगल को आप क्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं। इसके बाद आप इधर पेन के आइकन पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं जिसमें आप इसमें लाइन लगा सकते हैं, डिफरेंट शेप बना सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। ये मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, अब इसको मैं इधर से स्टॉप कर दूंगा तो क्लोज कर देंगे। अब दोबारा डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और इधर से फुल स्क्रीन पे वाली ऑप्शन को देखेंगे। इस पर मैंने डाउन फुल स्क्रीन पे क्लिक कर दिया और इधर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। इसने अब ये फुल स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। अब इसको मैं इधर से स्टॉप करके चेक करूंगा। इसके अलावा इसमें जो थर्ड ऑप्शन है राउंड दी माउस है, जो जिधर आप माउस के साथ कुछ करेंगे तो ये उस एरिया की रिकॉर्डिंग करेगा। अब मैं आप चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग कहाँ पे सेव हुई है। तो आपने इधर वीडियोस पे क्लिक कर देना है, होम पे जाना है, इधर वीडियोज़ पर, वीडियोज़ पर जो लेटेस्ट वाली वीडियो है ऊपर शो हो रही है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया है। तो ये जो फुल स्क्रीन वाली रिकॉर्डिंग है ये वो शो हो गई है। और ये वीडियो वैसे किस फोल्डर में सेव है, उसके लिए आपने इस फोल्डर के आइकन पे क्लिक करना है तो ये जो वीडियोस का फोल्डर है वो ओपन हो गया। अब इस हम कि हम बाकी सेटिंग्स भी चेक कर लेते हैं। जर्नल पे क्लिक कर दिया, ये आउटपुट फोल्डर का पाथ दिया गया है ये वो है। अगर कोई रिकॉर्डिंग शेड्यूल की गई है तो इधर से आप शेड्यूल कर सकते हैं। और इसके बाद वीडियो पे क्लिक कर दिया, इधर आपको रिकॉर्डिंग की स्टार्ट स्टॉप की शॉर्टकट कमांड नज़र आ रही है F12। अब चाहे तो मज़ीद शॉर्टकट कमांड्स ऐड कर सकते हैं। वीडियो को रिकॉर्डिंग का फॉर्मेट दिया गया है, चाहे तो आप इसमें सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकते हैं। इमेज में आएंगे, इमेज अगर स्क्रीनशॉट आपने लेना है तो उसकी शॉर्टकट कमांड F11 है। या आपको ऊपर अगर इधर रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो कैमरे का आइकन बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन शॉट ले लेगा। रिकॉर्डिंग की शॉर्टकट स्टार्ट स्टॉप की शॉर्टकट कमांड F12 है और स्क्रीन शॉट की लेने की शॉर्टकट कमांड F11 है। इसके अलावा ये स्क्रीन शॉट के नीचे फॉर्मेट दिए गए हैं, आप इमेज के फॉर्मेट चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। अगर ये ऊपर आए तो ये गेम रिकॉर्डिंग के लिए दिया गया है, लेकिन उसके लिए पहले गेम प्ले हो तब ये उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर लेगा। इस वीडियो में मैंने इसके आपको वेंडिंगम जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है इसकी इंस्टॉलेशन और इसको यूज़ करने का मेथड बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल इजी टेक इन्फो को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।